वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट 10 जो कि 27 जुलाई की है। और इस वीडियो में हम तीनों सब्जेक्ट्स की वर्कशीट देखेंगे, उनका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन, मैथ्स, साइंस और उसके बाद हिंदी। तो मैथ्स देख लेते हैं। मैथ्स में आपका जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन ये किस चीज़ की है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आइए चलते हैं सीधा सीधा, मैं आपको पहले इसके जो क्वेश्चंस हैं उन पे ले जाता हूँ। तो पहले क्वेश्चंस हम देख लेंगे और क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखने के बाद आप ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनको आप बिना देखे खुद करें तो आपको ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा। पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी प्लस एट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है जिसको हम फैक्टराइजेशन की मदद से पी की दो वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। सो आइए समझ लेते हैं मेथड क्या है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है जो पहला कोफिशेंट है और आखिरी वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको रफ में। 1 × 8, आंसर आ गया 8। अब हम इसके सारे के सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पहला है 1 × 8, दूसरा है 2 × 4, ये भी 8 होगा। 3 से टेबल में नहीं आता तो ये नहीं होगा। 4 के टेबल में हम लिख चुके हैं तो ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है, दो ऑप्शन है। अब हमें देखना है कि प्लस या माइनस करके ये 6 लेकर आए, क्या लेकर आए, 6 लेकर आए। कौन सा 6, प्लस 6। सो चेक कर लेते हैं, पहले मैं इसको देखता हूँ। 8 + 1, 6 ला रहा है, नहीं ला रहा। सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 8 - 1 क्या लाएगा, 7 लाएगा, तो ये भी नहीं आ रहा। सो 4 + 2 क्या आ रहा है, 6, तो बहुत ही बढ़िया। तो इसका मतलब ये दोनों हम ले सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2p + 4p, ठीक है, +2p + 4p। देखो दोनों को स्प्लिट करके 6p आ गया। तो इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं मेथड। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये एज इट इज आ जाएगा पी स्क्वायर, और ये एज इट इज आ जाएगा +8। तो अब पहली दो टर्म्स में से हमें देखना है कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो पी स्क्वायर, यहाँ पे भी पी, तो पी कॉमन आ जाएगा। पी स्क्वायर में से मतलब दो पी थे, पी स्क्वायर का मतलब हो गया पी मल्टीप्लाई बाय पी, मतलब यहाँ पे दो पी थे उसमें से एक पी बाहर चला गया, तो कौन सा बचा, एक बचा। 2p - 2 × p, मतलब ये वाला पी बाहर चले गए तो कौन बचा, 2 बचा, यहाँ पर आ जाएगा +2। अब इन दोनों में 4p का मतलब हो गया 4 × p, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2। तो यहाँ पे देखो 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं। पहले क्या बचा पी, यहाँ पे क्या बचा 2। दोनों में सेम आना चाहिए, ये चेक पॉइंट है, दोनों में क्या है वो आंसर सेम आना चाहिए, ये इसका चेक पॉइंट होता है। अगर सेम नहीं आ रहा मतलब आपने ऊपर कहीं गलती ली है, गलती करी है, या कॉमन लेने में गलती करी है। तो अब ये दोनों सेम आ गए, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों में से कोई एक टर्म एक बार आ जाएगा और ये दोनों साथ आ जाएंगे, ये इसके हो गए प्राइम, सॉरी ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे भी लॉजिक क्या है, ये एक टर्म है, अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस से पहले ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो दोनों में p + 2 कॉमन है, तो ये बाहर आ गया एक बार, फिर ये दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों साथ साथ हो गए p + 4। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, q² - 10q + 21। तो पहला स्टेप, पहला क्या नंबर, 1 × 21, ओके, तो आंसर हो गया 21। सो 21 के फैक्टर्स, 2 पे तो जाता नहीं है, 2 के पहाड़ में तो आता नहीं है, टेबल में नहीं आता। सो 3 पे जाएंगे, 3 × 7, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में ऑलरेडी आ चुका। तो मेरा अच्छा लक है कि मुझे सिर्फ दो दो मिल रहे हैं, आपको 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। तो अब मुझे चेक करना है, -10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -10, +10 नहीं है, -10। तो इसका मतलब ये तो दिखाई दे रहा है 7 + 3 10 होगा, 7 + 3 10 होगा,
मुझे क्या चाहिए, -10, तो इसका मतलब -7 -3 लूंगा मैं, तो इसको मैं लिख दूंगा -7Q -3Q। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि -10 क्यों आएगा या -10 हो जाएगा। और बाकी क्या बचा, यहाँ पे बचा क्यू स्क्वायर, यहाँ बचा 21। ओके, तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अब पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, क्या बचा क्यू, यहाँ पे 1Q -7 माइनस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ माइनस कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों के टेबल में 3, यहाँ पे बचा क्यू। अब ये माइनस माइनस प्लस देगा, तो यहाँ पे ये साइन बदल जाएगा। कॉमन अगर माइनस ले रहे हैं तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाएगा 7। ये देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी तक इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, क्यू -7 एक बार और क्यू -3 एक बार, तो ये आपके फैक्टर हो गए, फैक्टराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, x² +5x -36। स्टेप सेम है, 1 × 36, आंसर आया 36। 2 के टेबल में यस जाता है 2 × 18, 3 के टेबल में यस जाता है 12, 4 के टेबल में जाता है 9। मैंने तो बोला था मेरे लिए अच्छा हो रहा है, बट इस बार तो बहुत सारे हो गए। 5 के टेबल में नहीं जाता, 6 के टेबल में 6 पर जाता, तो रिपीट हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है 5 लाने के लिए। पहले में तो लग नहीं रहा, दूसरे में 18 + 2 = 20, या फिर यहाँ तो प्लस चाहिए। ओके 18 नहीं आ रहा, ये 12 + 3 = 15 होता है, 5 है यहाँ तो। 12 - 3 = 9 नहीं आ रहा, 9 + 4 13 होता है, 9 - 4 = 5 होता है, ये हुई ना बात, 9 - 4 = 5। तो यहाँ पर हम 9 - 4 लिख देंगे, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 9x - 4x, 36 एज इट इज़। और यहाँ पर आया x². अब पहले दो में से कॉमन लेंगे x, x +9, यहाँ पे क्या है माइनस, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आया 4 कॉमन, x माइनस माइन, यहाँ माइनस चाहिए तो यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चाहिए होगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आ गया 9। ये हिंट है, ये दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पर दोनों सेम आ गए, एक्स प्लस 9 और एक्स -4 इसका आंसर हो गया। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व। आइए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर पहला टर्म क्या है, 2 × यहाँ पे क्या है 10, तो आपका हो गया 20। ठीक है, तो 20 के बहुत सारे हो सकते हैं, 2 तो लिख दिया हमने, 3 नहीं जाता, 4 × 5 = 20 हो गया, 5 × 4 वापस हम लिखेंगे नहीं, बहुत बढ़िया 2 ही हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -1 चाहिए, ध्यान दें यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 चाहिए। -1 बहुत ही सिंपल है, 4 देखो, 5 - 4 करोगे तो 1 आएगा, तो 4 - 5 करोगे तो -1 आएगा, तो हमें ये वाला चाहिए 4 - 5, तो यहाँ पर लिख दूंगा 4t - 5t। ओके 4t - 5t, तो पहले में आ जाएगा 2t² - 10। ये आपकी इक्वेशन स्प्लिट हो गई, पहले दो में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 और t कॉमन आ जाएगा, t +2, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है और 5, यहाँ पर आएगा टी माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, या माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ गया 2, ये आ गया आपका सेम। सो टी +2 और यहाँ पर आया 2t - 5। ये हो गए आपके चारों क्वेश्चंस। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और प्रैक्टिस करते रहें। जो जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आप खुद बिना देखे करें और टेस्ट करें अपनी नॉलेज को। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब साइंस की वर्कशीट देख लेते हैं। तो साइंस की वर्कशीट आज है स्टेट्स ऑफ मैटर पर। यहाँ पे दो बच्चों के बीच में डायलॉग है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ज्ञान, व्हाट हैव यू लर्न सो फार अबाउट द मैटर अराउंड अस? दीदी,
I have learned many things about matter, like matter is made up of particles. Now, particles, something is written about particles. There are some properties of particles. They have empty space between them. They attract each other. They are continuously moving. And what about matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. There are three states of matter: gas or vapor, liquid, and solid. Then they've also written about pure and mixture forms of matter. So pure forms of matter are elements and compounds, and mixture forms of matter are homogeneous and heterogeneous mixtures. So you have already learned about matter. It is a recap worksheet, so we will not go into details of the concept. Let's go straight to the questions. So first question is, pehla question hai hamare paas, name a matter which exists in nature in all the three states. Ab ye to sabse simple question hai. Kyun? Kyunki ye jo question pooch rahe hain, wo ye pooch rahe hain, aisa kaun sa matter hai jo tino states mein exist karta hai, state of gas, state of liquid and state of solid. आप सोचे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप, ये ऐसा मैटर है जो आपका डेली वे ऑफ सर्वाइवल है. तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसी क्या चीज है जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है? ऑफ कोर्स वाटर. सो वाटर स्टीम की तरह एग्जिस्ट करता है, वाटर लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है, एंड ऑल्सो आइस की तरह वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है. सो a matter which exists in nature in all the three states is water. ये आपका answer one है. Now question two, how does a solution differ from a suspension? अब answer two देख लेते हैं. Answer two है, a solution is a homogeneous mixture that has the same proportions of its components throughout any given sample. For example, salt plus water. Whereas a suspension is a heterogeneous mixture which has components in which proportions vary throughout the sample. For example, soil plus water. तो solution एक homogeneous mixture है जिसमें आप कोई भी एक उसका sample लेंगे तो उसके जो components हैं उनका proportion throughout the sample बिल्कुल same रहेगा. लेकिन वहीं एक सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें अगर आप उसका कोई भी सैंपल लेंगे, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, तो उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके प्रपोर्शन वेरी हो सकता है. वो जरूरी नहीं है कि उस सैंपल में जो प्रपोर्शन है उसके कंपोनेंट्स का वो सेम हो थ्रू आउट अदर सैंपल्स. फॉर एग्जाम्पल सॉइल एंड वाटर. आइए अब क्वेश्चन थ्री पे चलते हैं. What are compounds? Give name of any two compounds from your surroundings. Iska answer worksheet mein hi directly hai. Two or more elements combined by chemical process is called a compound. For example, water, glucose, salt. अब क्वेश्चन फोर देख लेते हैं. व्हाट आर मिक्सचर, व्हिच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन यू मिक्स द फॉलोइंग, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर. अब क्वेश्चन फोर का पहला पार्ट है, व्हाट आर मिक्सचर. इसका आंसर है, अ मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस in which the identities are retained and are mixed in the form of solutions, suspensions and colloids. तो इसमें पहली बात ये है कि ये एक physical combination है, तो कोई chemical process नहीं होता है. Physically आप दो या दो से ज़्यादा substances को combine करते हैं और वो जो substances हैं उनकी जो individual identity है वो retained रहती है. वो जैसी के जैसे हैं वो वैसी ही उनकी आइडेंटिटी रहती है जो उनके इंडिविजुअल सब्सटेंसेस होते हैं जो मिक्स होकर कंबाइन होकर मिक्सचर बनते हैं.
और ये तीन तरह की फॉर्म में होते हैं, जो हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। अब इस क्वेश्चन फोर का जो दूसरा आंसर क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन यू मिक्स द फॉलोइंग। इसका आंसर आपकी वर्कशीट में ही डायरेक्टली है। सो सॉल्ट प्लस वाटर, आप यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे यहीं पर इसका आंसर है, सॉल्ट प्लस वाटर। और सेकंड है यहाँ पर सॉइल प्लस वाटर, इसका आंसर भी यही है, सॉइल प्लस वाटर। और थर्ड है मिल्क प्लस वाटर, इसका आंसर भी यही है। तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है ये सॉल्यूशन, सॉइल प्लस वाटर बनाता है ये सस्पेंशन, और मिल्क प्लस वाटर बनाता है ये कोलाइड्स। तो आज की वर्कशीट में बस यही, आप वर्कशीट अच्छे से देखकर फिर से इसके आंसर्स लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट लहासा की ओर, वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 10। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पैराग्राफ है एक, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और इस पे बेस्ड फिर क्वेश्चंस है जिन्हें आपका आंसर देना है। आंसर इसी गद्यांश पे बेस्ड होंगे। तो आइए ये गद्यांश पढ़ लेते हैं पहले। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं भी और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिकमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर भी चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगी। तो ये लहासा की ओर क्षितिज भागवन से लिया गया एक पैराग्राफ है और इस पे बेस्ड ही आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको प्रश्न दिए गए हैं। चलिए प्रश्न भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, तिब्बत के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो अगर मैं इस गद्यांश को पढ़ूं तो आपको पता चल जाएगा, इसकी पहली लाइन में ही ये इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। तो जहां से अगर मैं पहली लाइन से पढ़ना शुरू करूं, तो तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं भी और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। तो यही तिब्बत की विशेषता भी है। तो तिब्बत के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जाति पाति छुआछूत और औरतों के पर्दे में विश्वास नहीं रखते हैं। यही प्रश्न एक का उत्तर है। प्रश्न दो है, तिब्बत की स्त्रियों का अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार था? अगर गद्यांश में देखें तो आप यहां से दो तरह के यहाँ पे आप क्लूज देख सकते हैं। सबसे पहला क्लू है, ना ही औरतें पर्दा करती हैं। औरतें पर्दा नहीं करती हैं तो वो आपसे, आपको खुल के अपने घर में बुलाएंगी भी, आपसे बातें भी करेंगी। दूसरा आप क्लू है यहाँ पे, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले क्लू में देखा कि वो पर्दा नहीं करती हैं, तो आपके अपरिचित होने के बावजूद भी अगर आप उनसे बात करेंगे और अपनी झोली में से उन्हें चाय देंगे या चाय मांगेंगे उनसे, तो वो आपको वो चाय तैयार करके दे देंगी। तो तिब्बत की स्त्रियों का अतिथियों के साथ व्यवहार बहुत ही अच्छा था और खुला था। वह पर्दा नहीं करती हैं और खुल के लोगों की, अतिथियों की मदद करती हैं। अगर आप उनसे चाय मांगेंगे तो वह आपको चाय भी पकाकर दे देंगी। तो यही इस प्रश्न दो का उत्तर है। आइए प्रश्न तीन पढ़ लेते हैं। तिब्बत में चाय बनाने का क्या तरीका है? प्रश्न तीन का उत्तर भी सीधा ही गद्यांश में आप देख सकते हैं। ये है इसके उत्तर को ढूंढने का क्लू।
तो अगर आप यहाँ देखें ये वाली लाइन जहां पे चाय के बारे में बताया गया है, तो इन्हीं लाइंस में से आपको, इन्हीं पंक्तियों में से आपको प्रश्न तीन का भी उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न तीन का उत्तर है, तिब्बत में चाय बनाने के लिए मक्खन और सोडा नमक को चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग का बना दिया जाता है और फिर उसे मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख कर दिया जाता है। यही तिब्बत में चाय बनाने का तरीका है। चलिए अब प्रश्न चार पे चलते हैं। तिब्बत में भिकमंगों को लोग घरों के अंदर क्यों नहीं आने देते? फिर से अगर आप गद्यांश की तरफ देखेंगे तो इसका उत्तर भी वहीं गद्यांश में आपको मिल जाएगा। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें, इधर कहीं पर बात हो रही थी भिकमंगों के बारे में, तो आप यहाँ पे इसका उत्तर देख सकते हैं। तो हम उत्तर कैसे ढूंढते हैं गद्यांश में? तो हम प्रश्न देखेंगे, तिब्बत में भिकमंगों को लोग घरों के अंदर क्यों नहीं आने देते। अब यहाँ पर एक जरूरी वर्ड, एक की वर्ड है भिकमंगो। तो आप गद्यांश में यह वर्ड ढूंढेंगे, यह शब्द ढूंढेंगे और वहीं पे आपको उसी के आसपास ही उत्तर मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पंक्ति में भिकमंगो वर्ड आया हुआ है, यह शब्द आया हुआ है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहीं पर उत्तर है। तो तिब्बत में भिकमंगो को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते, यही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न चार का उत्तर है, तिब्बत में चोरी के डर से लोग भिकमंगों को घर के भीतर नहीं जाने देते। अब चलिए प्रश्न पांच देख लेते हैं। तिब्बत में क्या क्या बुराइयां नहीं हैं? फिर से प्रश्न पांच का उत्तर प्रश्न एक से मिलता जुलता है। तो आपने जब तिब्बत के बारे में जाना तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि तिब्बत में क्या क्या बुराइयां नहीं हैं। यह जो पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, यहीं पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। बस यही बात है तिब्बत की, तिब्बत में क्या क्या बुराइयां नहीं है, तो यही उत्तर है इसका। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही वहां औरतें पर्दा करती हैं। वहां पर बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी भी की जाती है, आप यह भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए यही आपकी वर्कशीट के उत्तर थे। आप अच्छे से वीडियो दोबारा देखकर आप इन उत्तरों को लिख भी सकते हैं। थैंक यू।